साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह कहा कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार नहीं ले सकती, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति पर जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी के विचारों को खारिज किया। जहाँ संविधान आर्थिक लोकतंत्र की अनुमति देता है, सुप्रीम कोर्ट ने 7-2 बहुमत से अपने पिछले विचारों को गलत माना कि सभी निजी संपत्तियों को समुदाय के भौतिक संसाधन के रूप में माना जा सकता है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39B के अनुसार राज्य आम भलाई के लिए वितरित करने के लिए बाध्य है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत के फैसले में कहा गया कि जस्टिस VR कृष्ण अय्यर कर्नाटक राज्य वर्सेस रंगनाथ रेड्डी 1978-1 SCR 641 और जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और अन्य 1983-1 SCR 1000 द्वारा व्यक्त किए गए विचार गलत हैं। CJI चंद्रचूड़ ने लिखा, यह घोषित करना कि अनुच्छेद 39B में सभी निजी संसाधनों का वितरण शामिल है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष आर्थिक विचारधारा और संरचना का समर्थन करने के बराबर है। रंगनाथ रेड्डी में जस्टिस कृष्ण अय्यर का निर्णय, जिसका संजीव कोक और भीम सिंह जी में भी अनुसरण किया गया, आर्थिक विचारधारा के एक विशेष स्कूल से प्रभावित था। CJI ने उल्लेख किया कि रंगनाथ रेड्डी में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा कि अनुच्छेद 39B राज्य को निर्देश है कि जिसका उद्देश्य संपत्ति के सामंती और पूंजीवादी किलों को नष्ट करना है। भीम सिंह जी में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कार्ल मार्क्स के अपने निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 39 को संवैधानिक वास्तविकता बनाने के लिए भूमि के बड़े समूहों पर कब्जा करना आवश्यक है। इसी तरह संजीव कोक में जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा कि अनुच्छेद 39B के शब्द और विचार सभी समाजवादी लेखकों द्वारा प्रतिपादित समाजों की परिचित भाषा और दर्शन को प्रतिनिधित्व करते हैं। CJI ने कहा, इन निर्णयों में अपनाई गई अनुच्छेद 39B की व्याख्या विशेष आर्थिक विचारधारा और इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक संरचना जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को प्राथमिकता देती है, राष्ट्र के लिए लाभदायक है। संविधान हर धर्मिता को खारिज करता है, आर्थिक लोकतंत्र की अनुमति देता है। हालांकि जस्टिस कृष्ण अय्यर और जस्टिस रेड्डी ने इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए संविधान निर्माताओं की दृष्टि का उल्लेख किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संविधान ने भविष्य की सरकारों के लिए कोई विशेष आर्थिक विचारधारा निर्धारित नहीं की है। इस अवलोकन को पुष्ट करने के लिए CJI ने संविधान सभा की बहस में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख किया, जिसमें किसी विशेष आर्थिक हठधर्मिता को खारिज किया गया। संविधान को व्यापक रूप से तैयार किया गया, जिससे आने वाली सरकारें आर्थिक शासन के लिए संरचना के साथ प्रयोग कर सकें और उसे अपना सकें जो उन नीतियों का समर्थन करेगी जिनके लिए उसे मतदाताओं के प्रति जवाबदेही का दायित्व है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, यदि संविधान आर्थिक और सामाजिक संगठन का एक विशेष रूप निर्धारित करता है, तो यह लोगों को उस सामाजिक संगठन को तय करने की स्वतंत्रता को छीनने के समान होगा जिसमें वे रहना चाहते हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि आर्थिक लोकतंत्र समाजवाद या पूंजीवाद जैसे किसी आर्थिक ढांचे से बंधा नहीं है, बल्कि कल्याणकारी राज्य की आकांक्षा से जुड़ा है। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CJI ने अपने फैसले में कहा, इस प्रकार इस न्यायालय की भूमिका आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं है, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखने के लिए संविधान निर्माताओं के इस इरादे को सुविधाजनक बनाना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत की लगातार सरकारों ने विभिन्न आर्थिक मॉडलों के साथ प्रयोग किया। CJI ने लिखा, 1950 और 1960 के दशक में स्वतंत्रता के समय हमारे गणतंत्र की शुरुआती चुनौतियों को देखते हुए सरकार का ध्यान मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी उद्योग और आयात प्रतिस्थापन नीतियों पर था। इसके बाद 1960 और 1970 दशक के अंत में कथित रूप से समाजवादी सुधारों और नीतियों की ओर बदलाव हुआ। 1990 के दशक में उदारीकरण के वर्षों से बाजार आधारित सुधारों की नीति को आगे बढ़ाने की ओर बदलाव हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह अस्तित्व में परिवर्तित हो गई। साथियों,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, कृष्णा अय्यर दृष्टिकोण में सैद्धांतिक त्रुटि यह थी कि उन्होंने एक कठोर आर्थिक सिद्धांत की स्थापना की जो संवैधानिक शासन के लिए विशेष आधार के रूप में निजी संसाधनों पर अधिक राज्य नियंत्रण की वकालत करता है। मनीष सीजीआई ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं की आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने और निर्वाचित करने की बुद्धि पर भरोसा करने की दूरदर्शी दृष्टि भारत की अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर की रीढ़ रही है, जिसने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया, एक ही आर्थिक सिद्धांतों को लागू करके इस संवैधानिक दृष्टि को खत्म करना जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण को अंतिम लक्ष्य मानता है, हमारे संवैधानिक ढांचे के मूल ढांचे और सिद्धांतों को कमजोर करेगा। बहुमत ने माना कि निजी संपत्ति अनुच्छेद 39B के दायरे में आ सकती है अगर वह समुदाय का भौतिक संसाधन होने की शर्त को पूरा करती है। यह जांच की क्या कोई संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधन के दायरे में आता है, संसाधन की प्रकृति, संसाधन की विशेषताओं, समुदाय की भलाई पर संसाधन के प्रभाव, संसाधन की कमी और ऐसे संसाधन के निजी खिलाड़ियों के हाथों में केंद्रित होने के परिणाम पर आधारित होना चाहिए। सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत को भी यहाँ लागू किया जा सकता है। संसाधनों के विभिन्न रूप हैं जो निजी स्वामित्व वाले हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से परिस्थिति की और या समुदाय की भलाई पर असर डालते हैं। ऐसे संसाधन अनुच्छेद 39B के दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए, गैर संपूर्ण रूप से जंगलों, तालाबों, नाजुक क्षेत्रों, आर्द्र भूमि और संसाधन असर वाली भूमि का निजी स्वामित्व हो सकता है। इसी तरह स्पेक्ट्रम, वायु तरंगे, प्राकृतिक गैस, खदानें और खनिज जैसे संसाधन जो दुर्लभ और सीमित हैं, कभी कभी निजी नियंत्रण में हो सकते हैं। साथियों, केस टाइटल इसका ये है, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, CA नंबर